तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कार आज तेलंगाना स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत माँ तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करना चाहती हूँ जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए मैंने 2004 में करीम नगर में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके अलग राज्य के सपने को पूरा करेगी इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति साहस और प्रेरणा दी पिछले दस वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उन सभी सपनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कासर नहीं छोड़ेगी मैं आप सभी को दसवें तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद जय तेलंगाना